झगड़ालू सास की समझदार बहू का चौथा भाग। सूर्यकला ने अपनी मर्जी से अपर्णा को अपनी घर की बहू बनाया था, लेकिन सूर्यकला हमेशा ये सोचती थी कि अपर्णा उसकी मर्जी से नहीं बल्कि सूर्यकला जैसा कहेगी वैसा ही करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, जिसके कारण वो हमेशा अपनी बहू अपर्णा को किसी न किसी बात से तकलीफ देने की कोशिश करती थी। सूर्यकला का पति उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे किसी लड़की को सताना पाप होता है, लेकिन वो अपने पति की कोई बात नहीं सुनती थी। हमेशा इसी ख्याल में रहती थी कि ऐसा क्या करे जिससे अपनी बहू को दुख हो और उसे परेशान करे। लेकिन अपर्णा ऐसी ख्यालात की बिल्कुल नहीं थी। वो आज के जमाने की लड़की थी, हमेशा अपनी मर्जी से कोई भी फैसला लेना पसंद करती थी। वो अपनी खुशियों के साथ साथ बड़ों की भी बहुत इज्जत करती थी और उनका बहुत सम्मान भी करती थी। लेकिन सूर्यकला ऐसे बिल्कुल नहीं थी। वो कभी अपनी बहू अपर्णा के दिल के बारे में नहीं सोचती थी, हमेशा सिर्फ अपना ही चलाने की कोशिश करती थी। जो भी फैसला वो लेती थी सब लोगों को वही मानना पड़ता था, और वो यही कहती थी कि वो जो फैसला लेती है वही फैसला सही है। ऐसे ही बहू अपर्णा की छोटी छोटी खुशियों के बीच आ जाया करती थी, जिसका सामना करना अपर्णा के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर वो अपने सास ही की चाल चलने लगती है। जैसा बर्ताव सूर्यकला उसके साथ करती थी वो भी ठीक वैसा ही बर्ताव अपनी सास के भी साथ किया करती थी। अखिल तो कितने अच्छे हैं, शादी हुए ठीक 6 महीने हुए, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ और मैं क्या चाहती हूँ ये सब कुछ जानते हैं, कितनी अच्छी तरह से मुझे समझते हैं। लेकिन पता नहीं सासू मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ ही कर देती हैं। जब भी मैं और अखिल बाहर जाने के लिए सोचते हैं तो पता नहीं अजीब अजीब बहाने करती हैं और हमें रोक लेती हैं। और तो और मेरी फेवरेट ड्रेस भी जला दी उन्होंने, और घर पर जब कोई मेहमान आते हैं तो काम करने वालों को तो काम पर ही नहीं आने देते और सारा काम मुझसे करवाते हैं। और फिर ये आशा भी करते हैं कि खाना खाकर सारे लोग ये कहे कि मेरा बनाया खाना बहुत ही बुरा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ करके उनको क्या मिलेगा। अगर ये बात मैं अपने मम्मी पापा को कहूंगी तो शायद वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, और अगर अखिल से बताऊंगी तो शायद अखिल को ये लगेगा कि मैं ही उनकी माँ को समझ नहीं पा रही हूँ। और ये भी हो सकता है इसके कारण हम दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सासू माँ को उनके ही तरीके में समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, यही सही भी रहेगा। ऐसे ही अपर्णा अपने आप में बातें कर रही थी। फिर कुछ ही दिन बाद अपर्णा का जन्मदिन आ गया था। अखिल ने सोचा था कि अपनी पत्नी को सरप्राइज देगा। वो रात के ठीक 12 बजे केक कटिंग का प्लान बना लेता है। हेलो अखिल, अरे कहाँ हो आप, इस वक्त मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हाँ अप्पू, जल्दी से हॉल में आ जाओ। अखिल, हेलो, हेलो, अखिल, अखिल, अरे कहाँ हो आप? हैप्पी बर्थडे अप्पू। वाह अखिल, ये तो डायमंड रिंग है, बहुत खूबसूरत है, आई लव इट। अखिल के दिए सरप्राइज को लेकर अपर्णा बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर अखिल ने अपने माता पिता से भी ये कहा कि वो लोग अपर्णा को विश करें। फिर वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। अरे ये क्या तमाशा बना रखा है, ये आधी रात को केक काटने की क्या जरूरत थी, सुबह होने के बाद सारे लोग अच्छे से काट के खाते ना। अरे भाग्यवान, जाने दो, बच्चे हैं, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, जो सास और ससुर कहते थे गर्दन झुकाए सभी काम करते थे। लेकिन इतनी समझ आजकल के बच्चों में कहाँ, इस अपर्णा को तो जरी भर की भी बुद्धि नहीं है। मैंने सोचा था कि हमारा बेटा उसे कुछ न कुछ सिखा देगा, लेकिन ये है
जो कि उसको अपने सर पर बिठाए रखा है। अरे जब देखो तब ये क्या ऐसे झगड़ालू की तरह झगड़ती ही रहती हो। आज उस बच्ची का जन्मदिन है, कम से कम आज तो उसको मत सताओ। हाँ हाँ, आपको तो सब अच्छे लगते हैं, एक मैं ही झगड़ालू लगती हूँ। वैसे सच कहूँ ना, तो ये सब कुछ भी मैंने आपकी माँ से ही सीखा था। Oh, no. आपने तब तो नहीं कहा था कि ये सब कहना गलत है? क्यों, अपनी माँ से डरते थे क्या? उस दिन अखिल अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे। उसने सोचा था कि पत्नी को लेकर रेस्टोरेंट जाएगा, फिर फिल्म देखने के लिए भी जाएगा। इस तरह पूरा दिन वो अपनी पत्नी के साथ ही बिताएगा। ये सोचकर वो अपने काम से भी छुट्टी ले लेता है। अरे बेटा अखिल, क्या हुआ, अभी तक बैठे क्यों हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, आज तो अप्पू का बर्थडे है ना, आज पूरा दिन मैं उसी के साथ रहने वाला हूँ। वो बस तैयार होने गई है, मैं और वो बाहर जाने वाले हैं और खाना भी हम लोग बाहर ही खा लेंगे। और हाँ माँ, इवनिंग मैंने सासू माँ और ससुर जी को भी घर बुला लिया है। शाम में जब वो आ जाएंगे मैं डिनर ऑर्डर कर लूंगा। और माँ, काम वाली बाई से कह देना कि आज रेस्ट ले ले। अरे बाहर जाकर खाने की क्या जरूरत है, कितना पैसा बर्बाद हो जाएगा। हमारी काम वाली बाई को बोल देंगे तो सब कुछ बना देगी वो। अरे माँ तुम नहीं जानती, वो इटालियन फूड बहुत पसंद करती है, और हमारी काम वाली बाई को तो वो सब बनाना नहीं आता है ना। और वैसे भी पैसे से ज्यादा अप्पू की खुशी मेरे लिए मायने रखती है माँ। इससे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। इस तरह सूर्यकला मन ही मन ये सोचने लगी कि ऐसे कौन से चाल चले जिससे उसकी बहू की खुशियों को रोक दे। सूर्यकला ने सोच लिया था कि वो लोग जैसे प्लान्स कर रहे थे वो सारे ही प्लान्स पर पानी फेर दे। फिर वो अपर्णा के माता पिता को फोन लगाती है। हेलो भाभी जी, आज आपकी बेटी अपर्णा का जन्मदिन है ना? हाँ जी हाँ जी, पता है, आ रहे हैं हम आपके घर शाम में, अखिल ने फोन करके बताया था और बहुत जबरदस्ती कर रहा था कि जरूर हमें शाम को घर आना ही है। अरे हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोल रही हूँ, शाम तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, अभी आ जाइए ना, सारे लोग घर पर ही है। और तो और मेरे बेटे ने भी आज काम से छुट्टी ले ली है, सारे लोग मिलकर खुशी खुशी कहीं बाहर जाकर आ जाएंगे, अच्छा लगेगा ना। अब ना आप बिना देर किए जल्दी से आ जाइए। अखिल और अपर्णा दोनों तैयार होकर बस घर से निकलने ही वाले थे कि इतने में अपर्णा के माता पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग अपने बेटी को प्यार से गले लगाते हैं और फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उसे देते हैं। समदन जी ने तो फोन करके छोड़ा ही नहीं था, जब तक हम लोग घर से नहीं निकले थे तब तक। वैसे नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, तुम दोनों बाहर जाकर घूमोगे तो अच्छा लगेगा ना, बीच में हम लोग क्या करेंगे? हाँ सासू माँ, मैं और अपर्णा ही जाने वाले थे। आप बुरा मत मानिए सासू माँ, हम सब ना शाम में मिलेंगे और खूब सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ दामाद जी, हम भी तो यही चाहते हैं। अरे क्या ठीक है, आप तो चुप रहिए समधन जी। क्यों रे अखिल, बड़े लोगों से क्या ऐसे ही बात करते हैं, उनकी मर्यादा करनी चाहिए है ना? सूर्यकला ऐसे ही अजीब अजीब बहाने बनाने लगी, जिसकी वजह से अपर्णा और अखिल दोनों ही बहुत अपसेट हो जाते हैं। तभी उनके मूवी का टाइम भी हो चुका था, जिससे उनका मूवी का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। अपर्णा के माता पिता ने लाख मना करने के बाद भी सूर्यकला ने उनकी एक नहीं सुनी थी और वहाँ का माहौल कुछ और ही बना दिया था। सूर्यकला ने ये कहा था कि आज तो सारे के सारे मिलकर ही रेस्टोरेंट जाएंगे। आई एम सॉरी अप्पू, मैंने क्या कुछ न सोचा था, सोचा कि हम दोनों बाहर जाकर कुछ प्लान करेंगे, बट देखिए अखिल, आज मैं बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल अपसेट मत होइएगा।
सारे लोग मिलकर रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ लंच करते हैं। ये सब देखकर अखिल थोड़ा उदास हो गया था, जिसको देखकर अपर्णा के माता पिता को बहुत बुरा लग रहा था। उन लोगों ने कहा कि अब वो घर जाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? शाम को केक कट करेगी ना अपर्णा, सब कुछ होने के बाद ही चले जाना। अब तू ही बोल दे इनको अखिल। हाँ सासू माँ, वैसे शाम को अप्पू की एक फ्रेंड भी आने वाली है, आप भी रुक जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सारी सेलिब्रेशंस खत्म होने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सूर्यकला किसी से फोन पर बात करते हुए अपनी घर के छत पर चली जाती है। अरे क्या समझा था इस सूर्यकला को, आज तो मैंने मेरे बेटे और बहू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, पता है कितना मजा आया था। आज उसका जन्मदिन था और आज ही के दिन उसका मुंह फुला दिया मैंने। और वैसे भी मेरे बेटे को तो उसकी माँ का जन्मदिन याद नहीं रहता, लेकिन जब से बहू आई है ना, ये सारे जन्मदिन शादी के दिन सब याद होते हैं उसको तो। अखिल अपनी माँ की कही बातें सुनकर शॉक हो गया था। बेटे को वहाँ आता देखते ही अपर्णा के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। माँ क्या ये तुम ही थी जो अभी ऐसी बातें कर रही थी? इसका मतलब आज जानबूझकर तुमने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। माँ माँ, मैरिज के बाद ये उसका फर्स्ट बर्थडे था और मेरे लिए बहुत ही खास था, लेकिन मेरी सारी ही मेमोरीज पर तुमने पानी फेर दिया। माँ तुम ऐसा बिहेव करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे सारे ही फ्रेंड्स इसी प्रॉब्लम्स की वजह से अलग अलग घरों में रह रहे हैं माँ, लेकिन मुझे लगा था कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घर भी एक है और हमारे दिल भी। वैसे माँ अपर्णा को भी तो तुमने ही पसंद किया ना माँ, तुम्हारे कहने ही पर तो मैंने अपर्णा से शादी की थी। तो फिर क्या हुआ माँ, आज हमारी खुशियों को देखकर तुम ऐसे उदास क्यों हो रही हो? तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी माँ, छी छी। ये सब कहकर अखिल वहां से चला जाता है। सूर्यकला को इस बात का बहुत दुख था कि वो अपने ही बेटे के सामने एक मुजरिम की तरह खड़ी हुई थी। उस दिन रात को सूर्यकला सोई नहीं पाई थी क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही थी। पूरी रात इसी बारे में सोच रही थी, जैसा उसकी सास ने उसके साथ बर्ताव किया था तब सूर्यकला को जैसा दुख हुआ था, बिल्कुल वैसा ही दुख अपर्णा को भी हो रहा होगा। ये सब सोचकर वो बहुत ही शर्मिंदा थी। सूर्यकला ने ये समझ लिया था कि अगर सूर्यकला अपनी बहू के साथ एक बेटी की तरह पेश आएगी तो उसकी बहू भी उसके साथ एक माँ की तरह पेश आएगी। ये सब जानने के बाद उसने एक अच्छी सास बनने की पूरी कोशिश की थी। चलिए हम भी यही आशा करते हैं कि जो फैसला सूर्यकला ने लिया था उस फैसले में वो कामयाब हो जाए।